तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 7th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन है हमारा 11वां। तो 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण एक कोण दो का आसन है, कारण लिखिए। ठीक है, तो कारण लिखना है हमको। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जेड के आकार में बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कोण एक है और यहाँ पे कोण दो है, इस तरीके से बना हुआ है। हम आपको बता दें, जो जेड आकृति में जो कोण बनते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। अब ये कह रहे हैं कि ये कोण आसन्न है कि नहीं है। तो भाई आसन्न कोण कैसे होते हैं? आसन्न कोण जो होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये कोई कोण दिया है, इसमें एक तीसरी भुजा जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो कहेंगे आसन्न कोण है। मान लो कोण एक ये है, कोण दो है, तो हम आसन्न कोण इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें बीच वाली जो भुजा है वो कॉमन है, दोनों कोणों में आ रही है, बीच वाली भुजा दोनों कोणों में आ रही है, तब हमारा आसन्न कोण होता है। पर इसमें क्या है, बीच वाली भुजा जो है कॉमन तो है नहीं, वो बस एक जुड़ी है इधर इधर से, कॉमन तो है नहीं, कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर कोण एक कोण दो का आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, कोण एक कोण दो का आसन्न कोण नहीं है क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ रेखा नहीं है, उभयनिष्ठ रेखा नहीं है। ठीक है, जब उभयनिष्ठ रेखा होती है तभी हमारा क्या होता है, हमारा क्या बनता है, आसन कोण बनता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन जो है उसके लिए हमें ये बिगाड़ना भी पड़ेगा। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के मान हमको ज्ञात करने हैं, तो अपना डायग्राम जो है वो हम बना लेते हैं। ठीक है, 12वां हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है, डायग्राम जो हमारा बना हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे कोण 55 है। ठीक है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे जेड है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है हमारा। और दूसरा जो कोण दिया गया है, दूसरा जो हमारा चित्र दिया गया है वो इस तरीके से है, आपको पूरा दिख रहा है? ठीक है, ये और यहाँ पे इस तरीके से निकला हुआ है, ये हमारा 25 है और ये हमारा इधर एक्स है और ये वाला हमारा 40 है, कितना है 40 है और ये जेड है, ये वाई है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये दिया गया है। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। किसके मान ज्ञात करने हैं, एक्स वाई जेड के। ठीक है, दो कोण इन्होंने दे दिए गए, चलो देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, इन्होंने क्या कहे, x बराबर क्या है,
हमारे इधर सम्मुख कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमारे बराबर होते हैं ना, अगर हमारा ये दो रेखाएं हैं इस तरीके से, अगर एक कोण इधर बना है तो ये वाला कोण हमारा इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 55 अंश हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर कोण है, यहाँ पे हम लिख देंगे ऊर्ध्वाधर कोण, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, और जब x बराबर 55 हो गया है, इधर भी हमारा 55 हो गया, और ठीक है ये भी हमारा 55 हो गया, ये भी हमारा 55 हो गया ना। अब क्या है, y और z हमारे बराबर होंगे, क्योंकि y और z भी हमारे ऊर्ध्वाधर कोण है, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो y बराबर z भी हमारा हो जाएगा, ये भी हमारे ऊर्ध्वाधर कोण है, ठीक है। तो अब हम y को यहाँ पे हम y लिख सकते हैं ना, ये हमारे y के बराबर हो गया है। तो अब हम क्या लिखते हैं, हमारा इस तरीके से कुछ भी बनाओ तो पूरे इस एंगल का कोण का मान क्या होता है, 360 होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कोण y प्लस कोण x प्लस 55 प्लस कोण z बराबर 360 होगा, हमारा होगा 360 होगा ना। जब 360 होगा तो y का मान हमने क्या रख दिया है, y का मान तो y ही है, ठीक है, और प्लस कोण x का मान हमने क्या निकाला, 55 निकाला, 55 की जगह पे तो 55 है ही, और z की जगह पे हमने y रख दिया, ठीक है, z की जगह पे हमने y रख दिया बराबर 360, ठीक है। 55 110 हुआ, तो हमारा ये y क्या हुआ, 2y हुआ, तो 2y बराबर क्या आ गया हमारा, 360 माइनस 110, ये हो गया। अब जीरो में से जीरो गया जीरो, छः में से एक गया पाँच, और तीन में से एक गया दो, ठीक है, 250 आ गया, क्या आ गया, 250 आ गया 2y का मान। तो y का मान क्या हो जाएगा, 250 बटे दो, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो पंचे दस, तो y का मान क्या आया, 125 मान अंश। जो y का मान था वही z का मान था, मतलब y और z का मान क्या आ गया, 125 अंश आ गया, दोनों के ही मान हमारे क्या आ गए, 125 अंश आ गए, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इस वाले चित्र के लिए, ठीक है। अब इस चित्र के लिए हम x, y, z के मान निकालते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाला जो चित्र है उसके लिए x, y, z के मान निकालेंगे, ठीक है, ये तुम्हारा पहला हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा वाला करते हैं, तो दूसरा वाला हम कैसे करेंगे, यहीं पे ही कर लेते हैं। अब इस वाले चित्र को देखेंगे, ठीक है, इस वाले चित्र को देखेंगे। तो अब हमारा क्या है, कोण x जो है, ठीक है, ये कोण x है, ये कोण यहाँ 25 है, ये हमारा 40 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और ये इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से रेखा है, इधर कोण z है और इधर 40 है, तो हम क्या कह सकते हैं, कोण z बराबर 40 अंश, कैसे हो गया, ये हमारे ऊर्ध्वाधर कोण है, कैसे हैं, ऊर्ध्वाधर कोण है, ठीक है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर कोण हो गया। अब क्या ये अब हमारा क्या करना पड़ेगा, कोण ये हमारा इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इसके बराबर हो, कोण 25 बराबर किसके बराबर, कोण 25 नहीं, x प्लस 25 जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। ये हमारा इधर दो कोण बने हैं, एक x है, एक 25 है, और इधर क्या है, y है, x प्लस 25 हमारा कितना क्या हो गया, y के बराबर हो गया, हो गया। और हमारा y प्लस z जो है वो कितना है, इधर दो कोण बने हैं, मतलब ये हमारा 180 अंश के बराबर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। इसमें से z हमको पता है 40 अंश है, तो 180 हमारा इधर हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40 बराबर क्या आ जाएगा, 140। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, y बराबर हमारा 140 अंश आ गया। अब y का मान यहाँ पे ये रख देते हैं, ठीक है। अब y का मान यहाँ पे जब हम रख देंगे,
दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है। तो वाई का हमारा एक्स प्लस 25 बराबर वाई था, वाई का मान क्या निकला है 140 निकला है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 140 माइनस 25 क्या आ जाएगा 115, क्या आ जाएगा 115 एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है 115 एक्स का मान आ जाएगा। इस तरीके से हमारे तीनों निकल आए हैं, एक्स का मान क्या निकला है 115 अंश, वाई का मान क्या निकला है 140 अंश, जेड का मान क्या निकला है 40 अंश। इस तरीके से तीनों निकल आए हैं। इधर भी हम एक्स का मान लिख देते हैं, वाई जेड का हो गया, एक्स का मान क्या निकला था 55 अंश, ठीक है। इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 12वें का हो गया है, ठीक है। देख लीजिए, लगा लीजिए। तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा। और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक है, और शेयर करना होगा, ठीक है। ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको, और आप लोग जस्ट जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना।